हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार क्लासेस अपलोड हो रही हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग M3R5 की कल मैंने आप लोगों के लिए क्लास अपलोड की हुई थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पाइथन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाए हुए थी, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं M4 की क्लास। लगातार आप लोगों के लिए M1, M2, M3, M4 सारी क्लासेस अपलोड होने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पाइथन की तो कंप्लीट हो चुकी है लगभग, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन अभी मेरे बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में कवर करवाऊंगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं M4 की क्लासेस, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 MCQs। M1 की क्लासेस भी आने वाली हैं और M2 की क्लासेस भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक दो दिन में मिलने वाली है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बता दूंगा किस टाइम पर आप लोगों को M2 और M1 की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल की ही तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, जरूर देख लीजिए। आप लोग काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर प्लेलिस्ट कैसे चेक करें, तो मैंने वैसे कई बार बताया हुआ है, बस आपको ओ लेवल गुरुजी सर्च करना है यूट्यूब पर। जैसे आप ओ लेवल गुरुजी सर्च करते हैं, आपको ओ लेवल गुरुजी चैनल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। आपको M1 की तैयारी करनी है तो M1 R5 MCQ जुलाई 2023 के नाम से है, M4 R5 MCQ जुलाई 2023 के नाम से आपकी M4 की है, जो कि आपकी ये वाली आज की क्लास भी इसी में एड हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पे M2 की तैयारी करना है तो M2 के लिए ये रही, मतलब सब कुछ आप लोगों का पूरा मटेरियल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन की तैयारी कर रहे हैं तो पाइथन के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट ये रही। तो ये सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे बनी हुई है, जिसको M1 करना है, M2 करना है, M3 M4 सारा मटेरियल यहाँ पे पाइथन की हमारी 1000 प्लस MCQs की, यहाँ पे MCQ 2023 के लिए जो आपके जुलाई में एग्जाम है, जो आपका 10 जुलाई को एग्जाम है पाइथन का, उसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है जुलाई 2023 के लिए। तो ये आप पाइथन MCQ 2023 वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इसमें सारे आपको MCQs मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2023 के लिए, ठीक है। तो पूरा नया कॉन्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। बाकी क्लासेस देखना हो तो IoT की क्लास ये रही, ओ लेवल की क्लासेस चाहिए M3 मतलब पाइथन की क्लासेस चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगी, M2 के प्रैक्टिकल की तैयारी करनी यहां मिल जाएंगी और आपको यहां पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखनी है प्रैक्टिकल की, ये रही आपकी M2 की और ये रही आपके M1 की प्रैक्टिकल क्लास। बस क्लिक करना है आपको, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करिए। क्लिक करते ही सामने आपके प्लेलिस्ट आ जाएगी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, जो भी आपको प्रैक्टिकल की क्लास देखनी हो। सपोज जैसे मुझे ये वाली देखनी है प्रैक्टिकल M1 R5 कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है, तो सारी क्लासेस आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। आपको कहीं पर कहीं भी किसी और चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी क्लासेस आप लोगों को हमारी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो भी रहेगा कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको कहीं और YouTube पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी क्लासेस हमारी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको बस यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करनी है बस, ओके। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से चेक जरूर कर लीजिएगा, तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट आप लोग यहां से चेकआउट जरूर कर लीजिए, ठीक है। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको जिसकी भी देखना है, पाइथन के MCQ की देखना है, कुछ भी देखना हो, आपको सारी क्लासेस हमारी यहां पे उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, कल भी काफी स्टूडेंट ने परचेस किए हैं, क्योंकि ऑफर चल रहा है हमारा 27 जून वाला, जिसमें आप लोगों को M1 की PDF 249, M2 की PDF 299 और M3 की PDF जो है, जिसमें आपको ऑफर में मिल रहा है 499 रुपीज के नोट्स बिल्कुल फ्री। ये भी आप जरूर ले लीजिए। कॉम्बो ऑफर अगर लेना चाहें तो कॉम्बो ऑफर ले लीजिए, 499 रुपीज में आपको 27 जून तक M1 और M2 की मिल जाएगी। पाइथन की चैप्टर वाइज 199 रुपीज में और IoT की मात्र अभी आप लोगों को 349 रुपीज में मिल रही है। IoT को तो बिल्कुल मत छोड़िए, IoT और पाइथन काफी हार्ड एग्जाम आते हैं। हम आपको यहाँ पे 700 प्लस MCQ यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। कल ही काफी स्टूडेंट ने परचेस कर लिया है कॉन्टेंट, क्योंकि जैसे ही आपका पेमेंट आता है, हमारा पब्लिशर डिपार्टमेंट में सेंड कर दी जाती है क्वेरी और वहां पे आप लोगों के लिए PDF तैयार होना स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से करिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। काफी स्टूडेंट्स ने हमसे परचेस किए हुए हैं, सभी लोगों काफी खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। ऑल ओवर सारा कंटेंट हम आपको ओ लेवल का प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बताई दिया है, बाकी आप लोगों को चेकआउट करना ही बता दिया है, कैसे आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ सारे MCQs अवेलेबल है, ठीक है। आज की हम लोग क्लास में देखने वाले हैं अपने, जो कि हमारे IoT की क्लास आई हुई है, ठीक है। IoT में आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टॉप 50 MCQ के बारे में। तो चलिए, देर ना करते हुए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।
और आपको पता है ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आजकल हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें कि हम Q&A सेशन रखते हैं जिसमें जो भी सबसे ज्यादा आंसर देते हैं तो उनको हमारी तरफ से क्या दिया जाते हैं नोट्स वगैरह, जो भी हमारा ऑफर चलता है उसके अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई चीज हमारी तरफ से फ्री दी जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने पाइथन के नोट्स बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए थे 499 रुपए वाले। इस बार जो ऑफर चल रहा है वो M4R5 के लिए चल रहा है जिसमें कि जो भी सबसे ज्यादा आंसर करेगा सही और जो भी लगातार हमारे वीडियो को वॉच कर रहा है जो भी सबसे ज्यादा आंसर सही कहेगा उसको टॉप 300 पाइथन के जो हमारा ओ लेवल के M4R5 हमारा IoTS के टॉप 300 क्वेश्चन हम लोग आपको फ्री देंगे बिल्कुल, मतलब 300 प्लस MCQ आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो अनाउंस हो जाएगा ये जो क्योंकि अभी आज हमारा 21 है आपका जो अनाउंस होगा उसका जो आपका रहेगा वो आपका 25 के बाद रहेंगे विनर्स के नेम और उसके साथ साथ किस किस को 300 प्लस MCQs मिले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी तरह से किया जाएगा जैसे कि इस तरह से हम लोगों ने किया हुआ था, जिनको नहीं पता है वो जरूर देख लें। अभी हमने जब पाइथन के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, जल्दी से अपने परचेस कर लीजिए क्योंकि अभी इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि जो 27 जून के बाद इसका चार्ज है काफी बढ़ जाएगा क्योंकि ये आपकी 399 हो जाएगी, ये आपकी 349 हो जाएगी और पाइथन का आपका यहाँ पे फ्री वाला नोट्स हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये तो फिर कॉम्बो में भी रेट बढ़ेगा और ये जो हमारी जो M4R5 ये जस्ट अभी 399 है, फिर इसका 499 चार्ज हो जाएगा 27 जून के बाद, ठीक है, क्योंकि फिर उस टाइम पे एग्जाम आएंगे तो उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए अभी फायदा उठा लीजिए, अभी काफी सस्ते में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा द बफर ओवर रन कुड बी रिड्यूस यूजिंग, ठीक है, तो वो कैसे रिड्यूस होता है, हमारा आंसर आएगा फ्लो कंट्रोल से हमारा रिड्यूस होता है। ओके नेक्स्ट है मैक एड्रेसेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में हमारा मैक एड्रेस यूज होता है, तो आंसर आएगा आपका नेटवर्क एड्रेस के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड, आर्डिनो कोड के बारे में क्या बात सही है, तो सेटअप इज द स्टार्टअप फंक्शन बिल्कुल सही है, लूप इज एग्जीक्यूट रिपीटेडली ये भी बिल्कुल सही है, ऑल्सो नोन एज स्केच ये भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव सारे सही है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेटमेंट दैट द ट्रू अबाउट द आर्डिनो डॉट एच हेडर फाइल, ठीक है, आर्डिनो डॉट एच हेडर फाइल के बारे में कौन कौन सी बात सही है, तो AVR ड्यूड सॉफ्टवेयर अपलोड द hexadecimal फाइल बिल्कुल सही है, गिव एक्सेस टू ऑल आर्डिनो स्कोर ये भी सही है, हैश अंडर्स ये भी सही है, आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव सारी बातें बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है इसमें से कोई एक भी आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से हमारे चैनल पर कॉन्टेंट मिलेगा और कैसे आप लोगों को लेना है। नेक्स्ट है स्टोचेस्टिक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, स्टोचेस्टिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं ये क्या है हमारा, तो आपको पता है यहाँ पे फीडबैक विद द अननोन एक्शन रैंडम, ठीक है, पॉजिटिव ये भी सही है, नेगेटिव फीडबैक अननोन रैंडम बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा द कीवर्ड प्रोग्राम एम इज वेरिएबल मॉडिफायर प्रोग्राम एम यूटिलिटी विच हेडर फाइल कंसिस्ट, ठीक है, तो ये कौन सी हेडर फाइल, वन मिनट, प्रोग्राम यूटिलिटी, ठीक है, विच हेडर फाइल कंटेन इट, ठीक है, कंटेन इट, ओके ठीक है, कंटेन इट, तो आंसर आपका क्या आएगा AVR, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आएगा AVR/PM.h, यहाँ पे PM स्पेस पी, एक्चुअली ये होता नहीं है, यहाँ पे कुछ मिस है, ये आपका रहेगा यहाँ पे AVR, ये लाइन इसपे एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ मतलब PGM स्पेस रहता है, तो ये रहेगा AVR और इसका PGM स्पेस, एस में ध्यान मत देना आपको किस पे देना है, PGM स्पेस पे, ओके, तो PGM स्पेस ये रहा आपका आंसर। ओके नेक्स्ट है एन IoT डिवाइस मे नीड टू इंटरफेस फॉर, IoT डिवाइस के लिए किसके लिए इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, सेंसर ऑडियो वीडियो इंटरनेट कनेक्टिविटी या ऑल ऑफ दिस, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा विच डिफरेंस इज एन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन, ठीक है, तो किस पर बेस्ड होता है, फीडबैक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखिए सिंपल सी बात है सभी पर बेस्ड होता है, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द वे ऑफ ड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो हमारा जो पहनने के लिए कपड़े की बात वहां पर हो रही है किसका एक ये उदाहरण है, ये बर्बल का है नॉन वर्बल का है, ये पीडी का क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये है आपका पीडी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो किसका है ये हमारा जो एग्जाम्पल रहता है वो हमारा होता है यहाँ पे नॉन वर्बल का, ठीक है, याद रखिएगा नॉन वर्बल का ये एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा द IoT सपोर्ट, IoT क्या सपोर्ट करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, ब्लॉकचेन करता है, ठीक है, या फिर वो हमारे डेटा एनालिटिक्स करता है, या फिर यहाँ पे एक्चुअली एक यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक मिस है, नहीं ये रहा ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी को करता है, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आप समझ गए होंगे सभी को ये करता है। नेक्स्ट है हमारा MQ135 सेंसर, MQ135 सेंसर हमारा कौन सा सेंसर होता है, तो देखिए ये हमारा गैस सेंसर भी होता है और ये हमारा पॉल्यूशन सेंसर भी होता है, तो आंसर रहेगा बोथ B and C। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सी प्रोग्रामिंग हैविंग एरे, ठीक है, तो यहाँ पे एरे की बात कर रहा है, तो ये तो देखिए आपको पहले पता चल गया होगा इस तरह के ब्रैकेट से हम लोग बनाते ही नहीं है, तो यहाँ तो आने वाली है एरर।
नेक्स्ट है इन सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट अबाउट द प्रेडिक्टेड टॉक अबाउट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या रहता है उसमें हमसे ये पूछ रहे हैं, तो सेंटेंस और सब्जेक्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये हमारा लेटर का क्वेश्चन है जो हमने लेटर राइटिंग वगैरह पीडी में रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट के कुछ चैप्टर नहीं कराए हैं, मुझे याद है क्योंकि अभी हम लोग जरा सा तैयारी में थोड़ा सा बिजी हो गए आप लोग के एमसीक्यू में, लेकिन आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी हमने दो चैप्टर आपके बीच में रोके हुए हैं, ठीक है ना, तो वो क्लासेस आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 या 3 दिन में वो क्लासें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे याद है कि अभी हमारा ये वाला चैप्टर रह गया है आईओटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। हालांकि इतना कोई हाई चैप्टर नहीं है ये, तो सिर्फ हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मतलब ये चैप्टर सिर्फ ऐसे ही पढ़ने का होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसके लिए क्लासेस लाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है, कुछ ही टाइम में। एक बिल्कुल मोटिवेशन क्लास रहेगी वो आप लोगों की, जिसमें आपको टोटल मोटिवेशन टाइप का वो लेक्चर रहेगा, तो आपके लिए मैं लाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा एग्जाम 11 तारीख को है जिसका आईओटी का, हो सकता है आपको 3-4 दिन में इसकी भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो उस क्लास को मिस मत करिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूछ रहे हैं ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू, ह्यूमिडिटी सेंसर किससे रिलेटेड है, DST 11 हाइग्रोमीटर पार्ट पर मिलियन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस, सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद ओन सेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ मतलब स्वयं के साथ बात करना क्या होता है हमारा, इंट्रा पर्सनल कहलाता है। ये सब अब हमारे लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा LCD डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द डेटा व्हेन EN लाइन शोज एंड RN लाइन शोज, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करता है, ये आपका होता है 1 to 0 ट्रांजिशन एंड हाई। नेक्स्ट हमारा इसमें Arduino कैन बी प्रोग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, Arduino किस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम की जाएगी, तो वो आपका पाइथन में भी हो जाएगी और आपका C++ में भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें विच मैक्रो कन्फर्म हेलो फ्रेंड विल बी स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी, किसके द्वारा हम लोग हेलो वर्ल्ड जो अपना होता है वो कैसे हम लोग फ्लैश मेमोरी में राइट हो जाएगा, तो वो रहेगा serial.printf और उसके बाद रहेगा आपका हेलो, पहला वाला बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, जो IoT प्रोटोकॉल है क्या इंक्लूड नहीं करती, यहाँ पे ये पूछ रहा है डज नॉट इंक्लूड, तो वो रहता है हमारा सेशन लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा द डिफरेंस इन इफ एल्स एंड स्विच केसेस, ठीक है, तो डिफरेंस पूछना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इफ एल्स एनफोर्स बाइनरी सर्च, स्विच केस एनफोर्स लीनियर सर्च, मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू नंबर ऑफ डिसीजन इनसाइड इफ एल्स, मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू नंबरेस्ट डिसीजन इनसाइड द स्विच केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो आंसर रहेगा बिल्कुल सी बिल्कुल सही रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम रहता है इसमें, डिफरेंस यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है स्केचेस इन Arduino आर सेव्ड इन द एक्सटेंशन, ठीक है, तो किस एक्सटेंशन से हम लोग सेव करते हैं, तो वो होता है हमारा .ino। नेक्स्ट है हमारा एन IoT डिवाइस कनेक्ट विद अदर इंटरफेसेस यूजिंग द कनेक्शन विच आर वायर्ड वायरलेस या वायर्ड एंड वायरलेस, तो आंसर दोनों सही है, वायर्स भी हो सकते हैं वायरलेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज WOT एंड यूजेस इन द IoT, ठीक है, WOT क्या है और इसका यूज क्या है IoT में, तो जो WOT होता है वो होता है वेब ऑफ थिंग्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी इम्प्रूव, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी इम्प्रूव करने के ये काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज अ एविडेंस इन लीगल, ठीक है, तो किस चीज का यूज करते हैं हम लोग लीगल चीजों में एविडेंस के लिए, वो होते हैं हमारे नोटिस। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सी, कौन माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, देखिए PIS तो होता ही है, ARM भी होता है, 8086 नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर IoT इज, तो कौन सी हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि हम IoT में यूज करते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL, ठीक है, क्या सही है इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो ये सिंपल सा है जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो यह एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट इज देयर, कम्युनिकेशन डिजिटल बिल्कुल सही है, UART एंड USART आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, सारे हमारे सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज ESP8266 यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन, तो क्या है हमारा, ये होता है हमारा लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ DC मोटर इज कंट्रोल बाय Arduino, जो स्पीड होती है किस तरह से कंट्रोल होती है, वो PWM द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है द माइक्रो प्रोसेसर हैव फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड इन देम, रैम रोम या फिर मेमोरी या फिर नन, तो माइक्रो प्रोसेसर बात हो रही है तो ये हमारा रहता है इसमें नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा है विच फीचर डिफाइन IoT, कौन सा फीचर डिफाइन करता है IoT को, तो वो रहेगा आपका लोकल नेटवर्क नहीं है, नॉन चार्जिंग कंडीशन, सेल्फ कॉन्फिगरेशन, नॉन इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल, ये रहेगा हमारा, ठीक है।
जो इसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था, विच फीचर डिफाइंड आईओटी, ओके विच फीचर डिफाइंड आईओटी। नेक्स्ट है अ कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज, कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए वैसे कांस्टेंट कीवर्ड की बात होगी लेकिन यहाँ पे एक तरह से मैक्रो दिया हुआ है, ये हमारा डिफाइन होगा इससे, ठीक है सी का पार्ट है हालांकि आप लोगों के में नहीं था। नेक्स्ट है आईओटी प्रमोट द क्रिएशन ऑफ आईओटी टर्मिनल इंडस्ट्री, ठीक है तो किसको प्रमोट करती है ये हमसे पूछा जा रहा है इसमें, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे डिवाइसेस, नेटवर्क, क्लस्टर या फिर थिंग्स। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे क्लस्टर, बिल्कुल सही रहेगा, इसको ये प्रमोट करती है। ओके तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोगों के कितने 33 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्रेकिंग नॉलेज इट बेसिकली, ठीक है तो 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या रहता है एनकोड, ट्रांसलेट या डिकोड्स, तो आंसर होता है डिकोड्स। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज, ठीक है पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ द मेटा कम्युनिकेशन दैट डील्स विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज वर्ड, तो ऑल्सो नोन एज वर्ड होता है ये हमारा बोकलेक्स कहलाता है, ठीक है तो इसको आप याद करिएगा बोकलेक्स कहलाता है। तो ये हमारे 35 हो गए। नेक्स्ट है इन माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सेस यूज फॉर, माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल एक्सेस किसके यूज में होता है, वो होता है मेमोरी इंटरफेसिंग के दौर में। नेक्स्ट है कीबोर्ड पिंस वाइल इंटरफेसिंग कैन कॉज इंटरप्ट कॉल, ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइमर इंटरप्ट बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं या फिर हम लोग इसको एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, तो आंसर रहेगा एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग इन कंट्रोल वैल्यू, ठीक है बेसिक फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो वो होता है हमारा अपोज, ठीक है ये होता है अपोज द डायफ्राम टू पोजिशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रेशर, ठीक है ये हमारा इसमें रहता है। तो ये रहे हमारे 38 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा आईओटी डिवाइस आर थ्रेड वल्नरेबल टू अटैक एंड वन ऑफ देम इज द क्रिप्टो एनालिसिस अटैक दैट मींस, ठीक है तो पूछ रहा है इसका आखिर मतलब क्या है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, फाइंड द साइफर टेक्स्ट एंड ब्रेक द इनक्रिप्शन, ठीक है साइफर टेक्स्ट हमारा क्या होता है टेक्स्ट होता है एक तरह का जो कि हम लोग नेटवर्किंग में यूज करते हैं, फिर उसको क्या करना इनक्रिप्ट करना, ठीक है तो ये हमारा कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इतने क्वेश्चन कम्प्लीट किए। ओके तो ये रहा आपका हाईलाइट कर लिया। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे 40 नंबर के क्वेश्चंस की। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन से पहले आज हम लोग देखते हैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर और उसके साथ साथ आपका नेम का अनाउंसमेंट, ठीक है तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर क्या थे और कितने लोगों ने सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा हुआ था आईओटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या इंक्लूड होता है, तो आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, तो आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो आंसर रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन एम्बेडेड सी लिटरल मींस, ठीक है एम्बेडेड सी में लिटरल का मतलब वर्ड होता है, लेटर होता है, डिजिट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो आंसर आएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो पहले का आंसर भी डी सही है, दूसरे का भी आंसर डी सही है, तो जिन्होंने भी सही आंसर दिए हैं उनके नेम आपके इस प्रकार है, प्रेरणा सक्सेना इन्होंने बताया नहीं है कहां से है, आकाश फ्रॉम दरभंगा, प्राची शर्मा फ्रॉम मेरठ, प्रिया तिवारी फ्रॉम अयोध्या, कार्तिकेय यादव फ्रॉम लखनऊ, तौहीद आलम फ्रॉम प्रतापगढ़, हर्षिका कश्यप फ्रॉम बरेली, सपना पनवार फ्रॉम शिमला, मुस्कान फ्रॉम बरेली, अंकिता फ्रॉम ओडिशा एंड विशाल शर्मा फ्रॉम हरदोई, ठीक है इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल आंसर सही दिए और ये स्टूडेंट्स हमारे उस अवार्ड की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारे विनर बनने वाले हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के नाम कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो इन लोगों को विनर तो अगर जितनी भी हमारी क्लासेस रह गई हैं अगर उन क्लासेस में भी इन्होंने सही आंसर दिए हैं तो इनका विनर बनना कन्फर्म है, ठीक है तो बिल्कुल इन लोगों को 300 प्लस एमसीक्यू के नोट्स बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है जिसका चार्ज आपको पता है कितना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन है हमारा द IPv4 हैज द डेस्क नोटेशन फॉर एड्रेसिंग, ठीक है तो किस तरह के नोटेशन उसमें हमारे एड्रेसिंग में होता है तो वो आपको आंसर बताने हैं, ठीक है हेक्साडेसिमल, मेटाडेसिमल, डॉटेड डेसिमल या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी यूज फॉर बिजनेस कंज्यूमर प्रोसेस, कौन सी कैटेगरी हुआ आते हैं हमारे वो भी बिजनेस कंज्यूमर प्रोसेस किस कैटेगरी में हमारी आती है ये आपको बताना है, ठीक है तो ये आपके दो क्वेश्चन है, जल्दी से मोबाइल उठाइए, कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना नाम और अपने शहर का नाम कॉमेंट करिए जिससे आप लोगों के भी नाम यहाँ पर अनाउंस हो सके, ठीक है तो ये रहे हमारा आज के दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है फोर्थ वहां पे बताना है कि फोर्थ एलिमेंट इसमें हमें अपने एरे का बताना है, ठीक है तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका आपका जैसे कि ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे इंट जेड, जेड के बाद यहाँ पे एक पॉइंटर में रखा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्चुअली टू नहीं है, टू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जेड रहेगा ए जेड प्लस थ्री फिर जेड और टू इस तरह से, ये जेड है आपका, ठीक है ये थोड़ा सा टाइप करने में टू हो गया होगा, p
pz ऑफ 3, ठीक है। तो हमें फोर्थ एलिमेंट निकालना है, तो फोर्थ एलिमेंट मतलब 0, 1, 2, 3, क्योंकि 0 से इंडेक्स चलता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है द एंड्यूरिंग फीचर्स ऑफ द डिस्क्राइब इंडिविजुअल बिहेव एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमसे ये पूछा जाता है, ये आपके क्या होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब कि व्यक्तित्व लक्षण, ये हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच ओएसआई एंड टीसीपीआईपी डिफर्स, ठीक है। तो क्या रहते हैं हमारे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पे ओएसआई मॉडल इंडिपेंडेंट जेनरिक प्रोटोकॉल टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है इन ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्टेशन लेयर गारंटी दैट द डिलीवरी, नेक्स्ट है इसमें हमारा ए एंड बी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे टाइपिंग में, थोड़ा सा क्या होता है साइज वगैरह बढ़ाते हैं तो उस वजह से यहाँ वहां थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम साइज होता है इस वजह से, ठीक है। तो आंसर आपका ए एंड बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ आईओटी ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है XML, फिर इसके बाद पूछ रहा है B.NET या ब्लॉकचेन, तो आपको आंसर है इसका हमारा ओनली ब्लॉकचेन, ठीक है। तो आंसर रहेगा क्या, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट है हमारा इसमें मेन कंपोनेंट ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम आ, ठीक है। सबसे मेन कंपोनेंट क्या है आपका, सेंसर है, एक्चुएटर है, माइक्रो कंट्रोलर है या फिर ऑल है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। हाउ मेनी पीवीएम पिन्स डज द आर्डिनो, आर्डिनो में कितनी पीवीएम पिन होती है, 1, 2, 4, 6, तो आंसर रहेगा आपका 6 पीवीएम पिन्स होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ऑप्टीबूटर बूट लोडर इन आर्डिनो, कौन ऑप्टीबूटर बूट लोडर है, तो देखिए डिफॉल्ट बूट लोडर भी होता है 80 मेगा 328 भी होता है, तो आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इन अ फंक्शन एन एरे इज पास्ड बाय, फंक्शन में एरे को पास करना क्या कहलाता है आपका, ठीक है। तो एड्रेस रोटेशन, कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन आर्गुमेंट या कॉल बाय रेफरेंस, तो आपका आंसर कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी एरे को पास करते हैं तो एरे में हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है, जितनी भी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है वो पूरा इसमें जाता है। नेक्स्ट द लैंग्वेज ऑफ मेमोस शुड बी एंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है क्या है आपका, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या फिर लूसी एंड इजी, आंसर रहेगा आपका लूसी एंड इजी। नेक्स्ट है एरे इंडेक्स एक्स वाई जेड स्टार्ट विद, तो स्टार्ट कहां से होगा हमारा, ये हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, आईआर सेंसर आर यूज्ड इन, जो आईआर सेंसर है किस में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो किस तरह से हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, काफी इंपॉर्टेंट और ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि आज हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी, आप लोग वो भी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर यहाँ ओ लेवल गुरुजी की सारी वीडियोस चैनल देख ली हुई तो समझ लीजिए आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, और हमारी तैयारी तो पास होने लायक पहले ही खत्म हो चुकी है। अब तो हम लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने ग्रेड के लिए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्रेड हमारा आए, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया दिया है, इतनी पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी जरूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है 27 जून तक, जिससे कि आप लोगों के और भी अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।